धन्यवाद। आज व्यवहारिक व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या है अथवा समास किसे कहते हैं? समास है दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने एक पदीय पद को समास कहते हैं। इसे लिख देते हैं, दो समास इसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से समस्त एक पदीय पद को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने समस्त पद, यानी जो दोनों पद मिला अर्थात वो दोनों पद मिल करके एक पद बन गया, उस पद को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल। तो यहाँ अलग अलग पद है, एक पद है गंगा, दूसरा पद है जल, दोनों मिल करके बना है गंगा जल। गंगा जल अर्थात गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल। इसी प्रकार है समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह क्या है कि एक समस्त पदों के मेल से बने एक पद को अलग अलग करना। जैसे वही है गंगा जल, गंगा जल अर्थात अलग अलग हो गया गंगा, गंगा का जल। अब है समास कितने होते हैं?
समास कितने होते हैं? कितने होते हैं? वैसे समास चार होते हैं, लेकिन टेंथ के बच्चों के लिए वे चार नहीं बल्कि छह होते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास और द्विगु समास को कर्मधारय समास को ही बहुव्रीही समास के रूप में माना गया है। लेकिन हमें कितने समास पढ़ना है बच्चों? छह समास। कौन कौन? पहला तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा कर्म धारय समास, तीसरा बहुव्रीही समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो बच्चे समास तो अपने व्याकरण से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैं अगला जो क्लास लूँगा उसमें इन सभी को विस्तार से बतलाऊँगा और इनके नियम, इसके रूल, किसे जैसे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, बहुव्रीही समास किसे कहते हैं, इसके पहचान कैसे होता है, इसे समास विग्रह कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों पर आगामी दिन चर्चाएं होगी। इससे समास किसे कहते हैं, समास कितने होते हैं, ये अपने नोटबुक पर नोट करें। धन्यवाद।